टाइम हम तो खाई पड़े हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पहले झलक देखिए, ये ऊपर में देखिए कैसे नेट पे बनाया गया है। शायद मुझे लग रहा है कुछ काम होता होगा कि उधर से उधर क्रॉस करने के लिए क्या है पता नहीं। लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ, अभी तो मैं होटल गया था, होटल से अभी जा रहा हूँ एक खूबसूरत प्लेस दिखाने के लिए। अरे जाऊँगा कहाँ भाई, मैं पहुँच गया हूँ जो खूबसूरत प्लेस मैं आया हूँ। अभी चलते हैं, पहले पार्क कर लेते हैं। ये थोड़ा गैप यहीं से दिखा लेता हूँ आप लोगों को। तो गाइस, अभी मैं पहुँच गया हूँ गेट के पास, तो अभी चलते हैं टिकट काटने के लिए। तो चलते हैं अभी। ये देखिए टिकट काउंटर, यहाँ पे काफ़ी सारा बहुत लोग भीड़ है यहाँ पे। तो गाइस ये टिकट देखिए, बाइक का लिया 15 और पर पर्सन 10 रुपया। लो तो ये एक्चुअल में पिकनिक स्पॉट भी है। तो यहाँ पे देखिए 4 व्हीलर का अंदर पार्किंग है और हमारा 2 व्हीलर का बाहर में पार्किंग था। और यहाँ पे देखिए खाने के लिए आप लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। यहाँ पे देखिए सब लोग पिकनिक मनाने के लिए आए हैं, सब लोग खाने के लिए भी बैठ गए हैं। तो खेलने के लिए यहाँ पे एक तो बच्चे लोग के लिए दे दिया मतलब क्या रेट लेता है भाई, इसका रेट क्या लेता है? 30 रुपया। एक्चुअली मैं जब बाइक पार्किंग करने के लिए अंदर लेके आ रहा था तो हमारा संबलपुर का एक लड़का देखा, मैं उसको पहचानता हूँ, वो मिल गया, मैं जाता हूँ उसके पास। तो गाइस देखिए इसका नाम है बिशु, संबलपुर से आया है। तो मैं भी तो संबलपुर से सुबह से आया था और विंटर सीजन में तो ज़्यादा लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, इसीलिए तो यहाँ पे बहुत जोरदार भीड़ है। हम तो मेन गेट से आए थे, तो इस तरफ भी गेट है। बोटिंग फीस देखिए 20 पर पर्सन के लिए, बोटिंग करने के लिए 20 रुपये लेते हैं। ये बोटिंग सेट का है और ये सेट का एक्चुअल में पार्क को सराउंडिंग कर दिए, चारों तरफ कर दिए, शायद लोगों का थोड़ा सा एंजॉयमेंट थोड़ा सा अच्छा रहेगा इसीलिए। और शिव जी महाराज का एक स्टैचू पानी में जो रखे हैं देखिए, और बोटिंग सब चल रहा है यहीं पे। स्पेस तो ये इतना चौड़ा नहीं है, काफ़ी थोड़ा छोटा है। ये बच्चा देखो यहाँ पर रो रहा है, उसका माँ को छोड़ के चला गया है। एक्चुअल में जंगल में तो शेर वगैरह रहते हैं और यहाँ पे है कि नहीं है पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टैचू बना दिए, एक शेर का स्टैचू देखिए। अच्छा, काफ़ी हर जगह थोड़ा सा क्लीन कर दिए और थोड़ा टाइल लगा दिए और फोटो वगैरह थोड़ा सा उठाने के लिए सबको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो चलते हैं अभी वाटरफॉल की तरफ। यहाँ पे आते वक्त 2 बंदर देखने के लिए मिला, तो शायद आगे और भी बंदर हो सकते हैं। ऊपर की तरफ काफ़ी बहुत अच्छे तरह से पार्क को सजाया गया है और हर जगह तो टाइल देखने के लिए मिल रहा है, अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए एक डायनासोर का स्टैचू बना दिया है। तो गाइस आपको तो नीचे में एक छोटा सा पार्क दिखाए थे, अभी ऊपर तरफ आया तो ऊपर तरफ काफ़ी बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ पे अच्छा सा सीन ही यहाँ पे है और खूबसूरत से इसको सजाया गया है, तो दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे देखिए कैसे सजाए हैं, चारों तरफ बनाया गया है। तो यहाँ पे भी देखिए सब पेड़ में जैसे पासिया वगैरह बैठते हैं तो वैसे हर टाइप का बना दिए हैं, अभी चारों तरफ पेड़ में हैं। वहाँ पे भी 2 पेड़ बनाया गया है। इस साइड में भी देखिए एक तो ऐसा घर जैसा बना गया, मतलब थोड़ा सा छाया रहेगा यहाँ पे और लोगों का बैठने के लिए थोड़ा सा सुविधा भी रहेगा यहाँ पर। तो शायद वाटरफॉल इस तरफ है, तो यहाँ पर जो देखो लिखा हुआ है
स्नान कर रहा है वाटर पर। तो एक्चुअल में इसको इंग्लिश में बोला जाए तो स्मॉल वाटरफॉल, जो उड़ीसा के हिस्सा में, उड़ीसा में जो बोलते हैं शाम घगरा वाटरफॉल। रोड चारों तरफ ऐसे बना गया है जो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसीलिए आप लोग को वहाँ पे बोर्ड दिखा दिया, वहाँ पे जो लिखा हुआ था शाम घगरा वाटरफॉल, जो एरो मार्क का साइनिंग था। लोगों को देख रहे तो कहाँ पे उतना ऊपर चढ़ के वहाँ पे फोटो उठा रहे, और ये वो घाघरा है जो सन घाघरा वाटरफॉल। तो यहाँ पे काफी सारा भीड़ है देख रहे। तो गाइस मैं तो इधर पहुँच रहा है, लेकिन आप लोग कब आ रहे हो, बस आप लोग के लिए मैं ये सब वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग को दिखा रहा हूँ, तो चलते हैं उस तरफ। तो गाइस लोग देख रहे हैं यहाँ पे सब बैठने के लिए जगह दिया गया है, तो आप लोग के लिए कुछ परेशानी नहीं है, यहाँ पे बैठ भी सकते हैं, बैठ के एंजॉय भी कर सकते हैं। तो अभी आगे कुछ नहीं है, ये लास्ट एंड है और यहीं पे और आपको खूबसूरत सीन दिखाने वाले हैं। लेकिन मेरे साथ जो दो भाई आज मेरे साथ ज्वाइन किए हैं, वो दो भाई को देखे, ये दो भाई को, तो वहाँ पे भी फोटो उठा, यहाँ पे फोटो उठा। अभी इन लोगों का मन नहीं भर रहा यहाँ पे फोटो उठाने के लिए, फिर भी सोच रहे कि और फोटो उठाए और फोटो उठाए, लग रहा है इनका मेमोरी फुल होके मेमोरी फटने वाला है आज। तो चलता है और ये दो बच्चे का देखो यहाँ पे मका खा रहे हैं। आप लोग वीडियो पे बने रहिए, अभी ऊपर में भी और कुछ आप लोग को दिखाना है। अभी ये तो बनाया गया था, कोई तोड़ दिया, मुझे लग रहा भारी वजन वाला आदमी बैठ के तोड़ दिया। तो गाइस जंगल में तो शेर रहता है, तो यहाँ पे शेर नहीं है, मत जाओ शेर खा लेगा, डर गया। तो यहाँ पे एक तो वाटर टैंक है, तो अच्छा है, शायद लग रहा है जो पिकनिक करने के लिए आए होंगे तो उनके लिए पानी के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और वहाँ पे भी छोटा सा एक पार्क है, जो बच्चे लोग वहाँ पे खेल रहे हैं, और वहाँ पे वॉशरूम में भी है जो बाथरूम। तो गाइस देखिए अभी हम लोग तो वाटरफॉल का कंप्लीट कर लिए, अभी जा रहे हैं बोटिंग की तरफ। हमको तो बोटिंग नहीं करना है, बस आप लोगों को दिखाने के लिए लेके आए हैं इधर। एक्चुअल में तो आप लोगों को टिकट का काउंटर दिखाते हैं, वहाँ पे टिकट काउंटर है, और यहाँ पे और आप लोग बोटिंग कर सकते हैं। इतना बड़ा रिवर नहीं है, सोच लीजिए एक तो तालाब है। तो गाइस देख रहे ना जो आप लोगों को वाटरफॉल दिखा, और ये वाला सीन कैसा लग रहा है बड़ा कमेंट करके बोलेंगे। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के तरफ, यानी कि नेक्स्ट ब्लॉग में हम मिलेंगे। रखते हैं आज का वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, बाय बाय।